Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS PMS or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. Assalamu alaikum, students. Hope you are doing well. Screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So, आज हम objective को complete करने वाले हैं. Last class में हमने objective को discuss किया था. आज उसका last part है जो कि हम discuss करेंगे और objective को हम complete कर लेंगे successfully. आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा उसका कॉन्सेप्ट है कि आपके पास किसी भी सेंटेंस में जस्ट लाइक लाहौर इज बेटर देन कराची तो आपके पास जो भी कंपैरिजन है ना वो सेम इक्वल कह लें कि होना चाहिए. कम्युनिटीज में नाउन का है तो नाउन के साथ होगा, प्लेस का है तो प्लेस के साथ होगा. किसी स्पेसिफिक चीज का आप कंपैरिजन कर रहे हैं मतलब किसी की क्वालिटी का कर रहे हैं तो क्वालिटी के साथ होगा. तो जो कंपैरिजन है ये दोनों के दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए. ठीक है, आपने एडजेक्टिव में हम कंपैरेटिव डिग्री भी पढ़ के आ रहे हैं, सुपरलेटिव भी पढ़ के आ रहे हैं. तो कंपैरिजन दोनों जगह पे आप कंपैरेटिव करें या सुपरलेटिव करें दोनों जगह पे आपके पास कंपैरिजन जो है वो सेम एंगल सेम डिग्री पे होगा. जस्ट लाइक लाहौर इज बेटर देन कराची. लाहौर क्या है? सिटी है. एंड कराची क्या है? वो भी सिटी है. तो इट इज एक्यूरेट सेंटेंस कि लाहौर एक सिटी है. सिटी का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? एक सिटी के साथ हो रहा है. आप सब मेरे साथ चैट में रहिएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वो क्या है. द क्लाइमेट ऑफ द एबटाबाद इज बेटर देन लाहौर. अब देखिए यहाँ पे एबटाबाद का जो कहने कंपेरिजन है वो लाहौर के साथ नहीं हो रहा, क्लाइमेट का कंपेरिजन हो रहा है. डिड यू understand the concept of this sentence? यहाँ पे आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि यहाँ पे एबटाबाद का कंपैरिजन लाहौर के साथ नहीं हो रहा बल्कि क्लाइमेट का हो रहा है. ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को समझ आ रही है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका रॉन्ग है, ये सेंटेंस आपका गलत है. यहाँ पे या तो हम आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं ना इज बेटर देन, तो बेटर देन के बाद हम क्लाइमेट ऑफ लाहौर लगाएंगे. ठीक है, या तो हम बेटर देन क्लाइमेट ऑफ लाहौर लगाएंगे या डेट ऑफ भी कह सकते हैं. अब डेट ऑफ हम रिप्लेस कर रहे हैं क्लाइमेट को प्रोनाउन के साथ. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ एबटाबाद इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर. ठीक है, ये एक्यूरेट होगा. उसके बाद आ जाएगा द क्लाइमेट ऑफ एबटाबाद इज बेटर देन डेट ऑफ लाहौर. डेट ऑफ हमने किसके साथ रिप्लेस किया है? क्लाइमेट के साथ. तो डेट ऑफ का भी यूज किया जा सकता है एज अ प्रोनाउन का हमने यहाँ पे यूज किया है. क्लाइमेट क्या है? नाउन है. तो क्लाइमेट को हमने रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन के साथ, इसलिए हमने यहाँ पे डेट ऑफ का यूज किया है रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए. हमने रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्लाइमेट को रिप्लेस कर दिया है डेट ऑफ के साथ. ये भी एक्यूरेट है. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ एबटाबाद इज बेटर देन डेट ऑफ लाहौर. अब यहाँ पे हमने अपोस्ट्रॉफी यूज कर दिया. अपोस्ट्रॉफी से ऑलरेडी क्लियर हो जाता है कि आपके पास किस सेंस में बात हो रही है. अपोस्ट्रॉफी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा के भी आई हूँ प्रोनाउन के केस में, तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है. अपोस्ट्रॉफी से भी आप इसको एडमिट कर सकते हैं. अच्छा, ये तीन तरीके थे आपको इस चीज को रिप्लेस करने के. अब एरर किसी भी एंगल से आए आप इसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. आपके तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस किस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप कौन सी कह लें कि आपके लिए मेथड जो है वो इजी है, सूटेबल है. आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं. द सिम्टम्स ऑफ डेंगी आर सिमिलर टू मलेरिया. अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसके साथ अपोस्ट्रॉफी ना लगाते ना तो ये एरर कंसीडर किया जाता है. ये बिल्कुल बिगनर और बहुत बेसिक एरर है जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते नॉर्मली. अगर हम यहाँ पे
द सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सिमिलर टू मलेरिया लिखा होता है, एपोस्ट्रोफी ना होती तो एरर्स को आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि यार ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, डेंगू भी एक हमारे पास कह लें कि डिजीज है, मलेरिया भी डिजीज है, दोनों के सिम्टम्स भी सेम है, तो इसमें तो कोई एरर नजर नहीं आ रहा। लेकिन सिर्फ एरर कहाँ पे था, या तो हम डेट ऑफ का यूज करते इसमें, या हम यहाँ पे आप कह सकते हैं एपोस्ट्रोफी का यूज भी कर सकते हैं। आई थिंक ये दोनों आपके लिए सेंटेंस जो है वो क्लियर होंगे। और ये इसमें से एरर के अंदर से आपके पास हमेशा एडजेक्टिव के इस पार्ट में से सेंटेंस कोलेक्शन में एरर आते हैं। ये देन ऑफ का और ये कंपैरिजन जो है ना वो दो डिफरेंट चीज का कमोडिटीज का किया जा रहा होता है जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है। सीएसएस के सेंटेंस के अगर आपने कभी देखे हैं पास पेपर्स तो उसके जो सेंटेंस कोलेक्शन है ना उसमें इस तरह के एरर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे द रोड ऑफ पंजाब आर बेटर देन दोज ऑफ केपी। मीन्स अब यहाँ पे देखें कंपैरिजन किसका है, कंपैरिजन आपके पास रोड्स ऑफ पंजाब का है बेटर देन दोज ऑफ केपी। अब केपी आप खैबर पख्तून खान को कह लें, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे हमने दोज ऑफ का यूज किया है, अब मुझे आप बता सकते हैं इट इज करेक्ट और नॉट। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हमारे पास रोड्स ऑफ पंजाब का कंपैरिजन हो रहा है, अस्मा बेटा करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोड्स ऑफ पंजाब का हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है बेटर देन दोज ऑफ। अब देखिए दोज ऑफ हमने प्रोनाउन का यूज किया है ना, रोड्स ऑफ को हमने रिप्लेस किया है। जो मैंने पिछले केस में आपको बताया था क्लाइमेट के केस में मैंने आपको डेट ऑफ का बताया था क्योंकि वो एक सिंगुलर प्रोनाउन था, यहाँ पे रोड्स ऑफ है मतलब प्लूरल है तो हम यहाँ पे दोज ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। द पीपल ऑफ बलोचिस्तान आर मोर हॉस्पिटेबल देन दोज ऑफ पंजाब। आप मुझे बताएं सेकंड सेंटेंस, द पीपल ऑफ बलोचिस्तान इज इट करेक्ट और नॉट। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पीपल ऑफ बलोचिस्तान, जाहिर सी बात है कि पीपल हैं, ज्यादा सारे लोगों की बात हो रही है, वो ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं पंजाब के लोगों से ज्यादा, ऐसी ये बात ठीक नहीं है, पंजाब के लोग ज्यादा मेहमान नवाज हैं शायद, और ठीक है। तो हम देखते हैं कि आगे इसमें हमारे पास जो हमने यूज किया दोज ऑफ, अगेन प्रोनाउन का यूज किया है रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। नेस्कैफे इज द बेटर देन एनी कॉफी इन द मार्केट। एनी वन कैन आइडेंटिफाई एनी एरर, असल बेटा आपने नहीं अभी बताना, कोई बता सकते हैं इसमें कोई एरर है या ये एक्यूरेट है। Is it correct or not? मैम एनी नहीं आएगा बेटा, एनी आएगा मुझे आपने अपना लाइक फील। तनवीर बेटा आपने भी यही कहा करेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं करेक्ट है और कोई बच्चा कह रहा है कि एनी नहीं आएगा, लेकिन बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है, एनी भी आएगा, करेक्ट नहीं है, एरर है इसमें। एरर क्या है, देखिए नेस्कैफे इज बेटर देन एनी कॉफी इन द मार्केट, तो अगर आप इसमें ये देखते हैं ना कि एनी कॉफी इन द मार्केट, तो एनी कॉफी में तो नेस्कैफे खुद ही आ जाता है ऐसे ही है? नहीं, मार्केट भी आएगा बेटा, एनी कॉफी इन द मार्केट अगर आप देखते हैं ना तो उसमें हम बिल्कुल एनी अदर आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसमें नेस्कैफे खुद भी आ जाता है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है किस चीज को, कॉफी को, नेस्कैफे को, कि मतलब वो बाकी दूसरी सब कॉफी के मुकाबले में बेहतर है। तो बात समझ आ रही है, एनी अदर आएगा बेटा, एनी अदर आएगा। अब देखिए इफ द टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन थिंक कंपेयर द कंपैरेटिव डिग्री इज मेड नॉट बाय यूजिंग ईआर और मोर। अच्छा आपके पास सेम क्वालिटी है, अगर तो पर्सन के दरमियान में है ना, मैं सिंपल आपको जनरली समझा रही हूँ, ये रूल्स वगैरह याद करवाने के चक्कर में मैं ना कभी पढ़ी हूँ और आपने मेरी क्लासेस में ये देखा भी है कि मैं रूल्स याद नहीं करवाती हूँ, ठीक है। आपके पास अगर कंपैरिजन पर्सन के और पर्सन के दरमियान हो रहा है, मतलब पर्सन टू पर्सन हो रहा है, तो आपने वहां पे ईआर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंपैरिजन क्वालिटीज का हो रहा है, किसका हो रहा है बेटा, क्वालिटीज का हो रहा है, तो फिर आप वहां पे मोर का यूज करेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको हम लॉजिकली देखते हैं, सेंटेंस में देखते हैं और मजीद क्लैरिफाई करते हैं।
यहाँ पे देखिए ही इज ब्रेवर देन हिज ब्रदर. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया पर्सन टू पर्सन हो रहा है तो ब्रेवर ER का यूज हम कर सकते हैं. ही इज ब्रेवर देन वाइस. अब ब्रेवर मतलब वो ज्यादा बहादुर है अक्लमंद होने से. तो ये क्वालिटीज है ना. तो क्वालिटीज के लिए मैंने आपको क्या कहा है ER का यूज नहीं करेंगे बल्कि हम मोर का यूज करेंगे. ही इज मोर ब्रेव देन वाइस. ऐसा ही है मोर ब्रेव. वेरी गुड. ठीक है मोर ब्रेव का यूज करेंगे. सिंपल सी बात है और कॉन्सेप्ट को आपने लॉजिकली समझना है. ठीक है जब एक दफा लॉजिकली आप समझ लेंगे यकीन माने दोबारा से ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगी. शी इज स्मार्टर देन हिज सिस्टर. कंपेरिजन देखें किसका हो रहा है पर्सन टू पर्सन तो स्मार्टर का यूज कर सकते हैं बट शी इज स्मार्टर देन ब्यूटिफुल. इज इट करेक्ट. और अगर करेक्ट नहीं है तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या होगा मोर स्मार्ट. वेरी गुड. सब ठीक बता रहे हैं. ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट फॉर्म आएगा वो क्या होगा मोर स्मार्ट. शी गेव हिम सिस्टरली ट्रीटमेंट. अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास कुछ मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था शायद कि एडजेक्टिव और एडवर्ब इक्वल मतलब एक दूसरे के कह लें आप कह लें कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं और जहां पे भी हम देखते हैं हम इसको ज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है एडवर्ब है. ठीक है शुरू से एक रटाफिकेशन में लगाया हुआ है तो वहां पे हमने ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये वर्ब है ये वर्ब नहीं है बेटा ये एडजेक्टिव है. एडवर्ब और एडजेक्टिव में बेसिक अभी बता देती हूँ बाकी मैं एडवर्ब में बहुत तफसील से आपको करवाने वाली हूँ. अगर किसी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगता है एडवर्ब की फॉर्मेशन करवाऊंगी कि एडवर्ब बनते कैसे हैं. ठीक है तो सिस्टर क्या है बेटा नाउन है. सिस्टर नाउन है ना. ठीक है सिस्टर नाउन है अगर तो सिस्टर के साथ बेटा ये बेसिक फॉर्मेशन है आप नोट डाउन कर ले. अगर किसी भी नाउन के साथ एलवाई लगेगा तो एडजेक्टिव होगा जैसे फादरली मदरली ब्रदरली ये सारे एडजेक्टिव के तौर पर यूज किए जाएंगे. ठीक है लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के साथ आपके पास एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब बनाएगा. तो सिस्टर नाउन है नाउन के साथ एलवाई है तो एडजेक्टिव है. ठीक है सिस्टर ली आएगा. ही इज माई म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड. बेटा म्यूचुअल नहीं होगा कॉमन फ्रेंड. ठीक है ही गॉट पासिंग. अच्छा हम कह लें यूजली ये नॉर्मली अपनी कह लें डेली रूटीन में यूज करते हैं कह लें सेंटेंस ही गॉट पासिंग इन इंग्लिश मतलब ये नहीं ये एक्यूरेट सेंटेंस नहीं है. ही पास मार्क्स इन इंग्लिश. ही गॉट पास मार्क्स इन इंग्लिश. ठीक है ही गॉट पास मार्क्स इन इंग्लिश ये आएगा. उसके बाद हम देखते हैं बेटा देयर इज अ म्यूचुअल कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. अब यहां पे क्या आएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगा ना. ठीक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगा. सिंपल सी बात है बिटवीन देम उन दोनों के दरमियान क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. उसके बाद देखते हैं बेटा हमारे पास देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स Which don't have comparative and superlative degree. वैसे इसका छोटा सा concept मैंने last class में बताया था unique के sense में लेकिन यहाँ पे काफी सारे आपके पास adjective mention है तो आपने क्या करना है उन सब चीजों को memorize कर लें. इनको आप time to time revise कर सकती हैं. कौन कौन से words हैं ऐसे जिनको हम ना ही comparative degree में बना सकते हैं ना ही superlative degree बना सकते हैं. अपने आप में unique है अपने आप में superlative degree है. सबसे पहला वर्ड है यूनिक परफेक्ट मेजर माइनर आइडियल आउटस्टैंडिंग सुप्रीम राउंड स्क्वायर ट्रिंग एंगुलर एक्सीलेंस ट्रिमेंडस प्रेफरेबल. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी आप ना कंपैरेटिव डिग्रीज बना सकते हैं और ना ही आप इनके सुपरलेटिव डिग्रीज बना सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं. सो दिस इज द मोस्ट यूनिक पीस ऑफ डायमंड. कैन यू आइडेंटिफाई इट इज करेक्ट और नॉट. जस्ट यूनिक आएगा. वेरी गुड. जस्ट यूनिक आएगा मोस्ट नहीं आएगा. ठीक है तो आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है सही है ना. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना. तो बस बेटा यही करना है. पर थोड़ी नहीं है हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं. शी हैज डन द मोस्ट एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क. एक्सीलेंट आएगा ओनली. वेरी गुड. आवर सिस्टम इज मोस्ट परफेक्ट. हम इस तरह की लिटरेरी मतलब अपने एक्सप्रेशन में जब हम कुछ लिख रहे होते हैं ना हम इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं.
और हमें पता भी नहीं चलता, ऐसा है? आप लोगों ने कभी किया है? मतलब ऐसे किसी चीज को ज्यादा इम्फोसाइज करने के चक्कर में हम लगा देते हैं मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट यूनिक, काफी टाइम किया ना, ऐसा ही है, बहुत ज्यादा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बेटा, ठीक है? मोस्ट नहीं आएगा, जस्ट परफेक्ट आएगा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हो अस्मा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, ये हमने आई थिंक कल डिस्कस किया था, कोई बात नहीं, चलिए दोबारा कर लेते हैं। ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर। तो इसका जो एक्यूरेट फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये जो एस एस के साथ हम कंपैरिजन करते हैं ना, उसमें हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, तो ही इज ट्वाइस नहीं आएगा, ही इज मतलब ट्वाइस के साथ टॉलर नहीं आएगा, ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर, ठीक है? ये आपका एक्यूरेट फॉर्मेशन होगी यहाँ पे कंपैरिजन की। उसके बाद देखते हैं, ही इज टू टाइम टॉलर देन हिज ब्रदर, ही इज टू टाइम एज टॉल एज हिज ब्रदर। और इसके आप जो कह लें कि राइट फॉर्मेशन है, वो आपके पास गिवन है इसमें ग्रीन फॉर्म में, ठीक है, ग्रीन कलर में ऑलरेडी गिवन है, तो ये बहुत ज्यादा वो कह लें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, वैसे भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं एज कंपैरिजन जब हम करते हैं एज के साथ सो के साथ, तो ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, उसी को यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा एड ऑन किया गया है। ओके डियर, हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आज हम इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है और एग्जाम्स में भी आ जाता है और आपकी राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, ओपिनियन। ओपिनियन में आपके पास क्या होगा? ओपिनियन साइज एज मीन्स कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स अगर इकट्ठी आ जाएं तो उनकी फॉर्मेशन कैसे करनी है, इसको आपने याद कर लेना है। ओ से आपके पास ओपिनियन है, उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसको आप सिंपल अगर याद करना चाहें ना, तो आप याद कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर। ऑपरेटिंग मतलब ओ से ऑपरेटिंग, एस सी एस से आप सिस्टम को फिलहाल जो है वो एक निमोनिक्स बना लें, रिलेट करने की कोशिश करें, और कंप्यूटर मतलब सी ओ एम पी कंप्यूटर, ठीक है? आप इसको इस तरह से मेमोराइज कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं इनको वन बाय वन इनको लर्न करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कर सकते हैं इसको याद, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, इसको इस तरह से कंप्लीट को याद कर सकते हैं। और उसके बाद हम इनको वन बाय वन देखते हैं। ओ से ओपिनियन बनता है, ओपिनियन क्या है? लवली है, ब्यूटीफुल है, प्रीटी है। इसके अलावा आपके पास साइज है, ह्यूज है, टाइनी है, बिग है, लिटल है, साइज आएगा। मतलब अगर ओपिनियन साइज दोनों एक ही सेंटेंस में है, तो पहले ओपिनियन आएगा, साइज बाद में आएगा। उसके बाद आएगा एज, ओल्ड, यंग, न्यू, शेप, राउंड शेप है, स्क्वायर शेप है, ट्रेंगुलर है, ये आपकी शेप आ जाती है। कलर क्या है? रेड, येलो, ग्रीन, ओरिजिन। ओरिजिन में मतलब उसका ओरिजिन क्या है, जैसे हमारा ओरिजिन पाकिस्तान है, तो ओरिजिन क्या है? ब्रिटिश है, चाइनीज है, पाकिस्तानी है। मटीरियल मतलब किस मटीरियल से बना है, वुलन है, सिल्क है, कॉटन है, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा मटीरियल होते हैं। पर्पस, पर्पस क्या है? गार्डनिंग है, स्टडिंग है, राइडिंग है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं एडजेक्टिव के, इनको मेमोराइज करना पड़ेगा, दो से तीन दफा करेंगे तो हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। अब इसको हम थोड़ा सा सेंटेंस में देखते हैं। द गर्ल हैज लॉन्ग स्ट्रेट ब्लॉन्ड हेयर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास द गर्ल हैज लॉन्ग स्ट्रेट ब्लॉन्ड हेयर, यहाँ पे आपके पास पहले साइज आ रहा है, फिर शेप आ रही है, फिर कलर आ रहा है, ऐसा ही है। और यही सीक्वेंस हमने पढ़ा था ना, साइज पहले आएगा, शेप बाद में आएगी, कलर। आप इसके साथ वो लिख भी सकते हैं ना, ओ एस, या आप लिख भी सकते हैं ओ एस ए एस सी ओ एम पी, ये आपने लिखना है ओ एस ए एस, आप इसको याद कर लें, सी ओ एम पी, ओ एस ए एस सी ओ एम पी, इसको याद कर लीजिएगा, साथ में लिख लीजिएगा। और जब आपने करना है तो आप इसके फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अच्छा, ओपिनियन है, उसके बाद ये था, उसके बाद साइज था, उसके बाद आपके पास एज आ जाती है। तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज करके इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा अपने एग्जाम्स में, और फिर अपने एरर्स को कनेक्ट कीजिएगा। अभी हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में देखें, द गर्ल हैज लॉन्ग, अब साइज पहले आ गया, उसके बाद शेप आ गई आपकी, उसके बाद कलर, इट्स कंप्लीटली एक्यूरेट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसमें चेंज की। ही मीट अ हैंडसम टॉल डार्क अफ्रीकन नेग्रो। अब यहाँ पे भी देखिए आपके पास ओपिनियन पहले है, ठीक है, टॉल उसका साइज है, कलर है, फिर उसका ओरिजिन है, इसकी भी फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। अ बिग रेड लेदर बैग वाज लेइंग ऑन द टेबल। तो आपके पास यहाँ पे भी देखें, बिग साइज, रेड कलर और लेदर मटीरियल, मटीरियल एंड पे था, पी से पहले, तो पर्पस से पहले था, तो आपके पास यहाँ पे
मटेरियल भी आ गया. इट्स आई थिंक सो इट्स अप टू यू. इट्स ऑल क्लियर टू यू? एडजेक्टिव क्लियर हो गया बेटा, एडजेक्टिव खत्म हो गया यहाँ पे. किसी को एडजेक्टिव में कोई प्रॉब्लम है? कोई भी ऐसा पॉइंट या कॉन्सेप्ट जो आपको समझ ना आया हो, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. नो मैम, क्रिस्टल क्लियर है. ओके, देन वी मूव टूवर्ड्स द वोकैब पार्ट्स. कहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं? ही मीट आएगा या ही मेट? किस सेंटेंस की बात कर रहे हैं बेटा? बैक कीजिएगा जरा. सेंटेंस में यहाँ पे तो कोई मीट और मेट नहीं है बेटा. अच्छा, जनरल पूछ रहे हैं बेटा, मीट आपके पास आएगा या मेट आएगा? इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंस. आप कौन सा सेंटेंस लिख रहे हैं, प्रेजेंट का लिख रहे हैं या पास का लिख रहे हैं? ठीक है, एडवर्ब शुरू हो जाएगा बेटा. कल हम एडवर्ब ही करेंगे, डोंट वरी. सेकंड सेंटेंस मैम, सेकंड सेंटेंस इसी स्लाइड में दोबारा करें बेटा. ही मीट ही है ना? ही मीट ही आएगा बेटा. इट्स एक्यूरेट. ही मीट आर हैंडसम. वो मिला किससे? हैंडसम टॉल डार्क अफ्रीकन नेग्रो से. ठीक है, नेग्रो में मीट ही आएगा. ओके, हम आप वकैब की तरफ चलते हैं. वकैब की तरफ आज हम सारे पिछले जो वकैब मैंने आपको करवाई हैं, कुछ सब तो नहीं लेकिन जो कुछ मैंने आप लोगों को पिछले दिनों में करवाई हैं उन सबको रिवाइज करेंगे आज. तो आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी और बहुत सारी आज वकैब को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. रूट वर्ड से हम वकैब सीख रहे हैं. बहुत ही अमेजिंग मेथड है और इससे आपके कॉन्सेप्ट मीन्स आप एक वर्ड के रूट वर्ड याद करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड याद हो जाते हैं. वर्ड तो लास्ट में ही बताया था, सब वर्ड का क्या मतलब है, कौन लिखेगा? जल्दी से चैट में लिखे. मैंने सब वर्ड करवाया था लास्ट क्लास में, अभी रिसेंटली इसी वीक में करवाया. सब वर्ड्स, इसके सिनोनिम्स लिखे, देखते हैं किसको क्लियर है, कौन सबसे ज्यादा जल्दी और इसके सिनोनिम लिखता है. सब वर्ड्स अभी रिसेंटली करवाया बेटा, लास्ट वीक में. सिनोनिम लिखिएगा इसके क्या थे. टर्न ओवर कर देना, वेरी गुड. और कोई बता सकते हैं बच्चे? सब वर्ड के रीवर्ड तो नहीं था बेटा, कैप साइज था. कैप का साइज उल्टा कर देना, बताया था मैंने आपको. ओवरथ्रो था. ठीक है, चीजों को याद रखा करें, फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए. जो चीज एक दफा पढ़ लें वो आपकी फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए. लैटिन वर्ब है वर्टो. वर्टो का मतलब क्या है? टू टर्न. ठीक है, यस, अनसेटल्ड है बिल्कुल. उसके बाद हम देखेंगे प्रीफिक्स. प्रीफिक्स में आपके पास एमबी है. एमबी का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? बोथ. एमबी का मतलब होता है बोथ. उसके बाद हम देखते हैं सुफिक्स. सुफिक्स क्या होता है? सुफिक्स बेटा वो चीज है जो लास्ट में आती है. जैसे फेमस के एंड पे आ रहा है ना ओ यू एस. ठीक है, डेंजरस के एंड पे आ रहा है ओ यू एस. पर्लिस के एंड पे आ रहा है ओ यू एस. तो ये क्या है? ये सुफिक्स है. किसी भी सेंटेंस के लास्ट थ्री वर्ड जो हैं, दो भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, मोस्टली थ्री होते हैं, तो वो आपके सुफिक्स कहलाते हैं. ठीक है, एंड पे आने वाले. ठीक है, ये आपके सुफिक्स कहलाते हैं. प्रीफिक्स क्या है? जो पहले आता है. सफिक्स क्या है? जो बाद में आता है. ठीक है, प्री का मतलब भी बिफोर होता है, पहले भी करवा चुकी हूँ. तो बेटा सफिक्स जो एन पे आपके अटैच हो जाए किसी भी वर्ड के साथ तो क्या होगा वो बता रहे. जनरली मेक्स एडजेक्टिव, मीन जिनके भी एन पे ओ यू एस आता है वो क्या किस तरह बिहेव करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे. जैसे मैंने आपको बताया आई एस टी नाउन के तौर पे बिहेव करता है, तो आपके लिए क्लेरिफाई हो जाएगा, आइडेंटिफाई करना. अगर एग्जाम में कोई भी वर्ड आता है आई एस टी का, आप एटलीस्ट इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नाउन है, और फिर आप उसी के बिहाफ पे नीचे गिवन ऑप्शंस में से आप किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे. डेफिनेटली अगर सिनोनिम पूछा तो नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा, वर्ब तो नहीं हो सकता. बात समझ आ रही बेटा? तो ये इस मेथड से पढ़ाने का
मकसद ये है कि आप पूरी की पूरी डिक्शनरी को याद नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल. लेकिन इस मेथड से आप बेस्ट पॉसिबल वे है ये आपकी वोकैब को याद करने का, मतलब याद नहीं करना पड़ता बल्कि समझने का. आप एग्जाम्स में अपने वोकैब को इजीली जो है वो आइडेंटिफाई करके बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं और 15-18 मार्क्स इजीली आ जाते हैं वोकैब में थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो. अच्छा जी, सफिक्स को मैंने आपको बता दिया. ओ यू एस क्या है? एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है. सफिक्स आई टी वाई कॉमन नाउन सफिक्स है, मतलब नाउन के तौर पर. वैनिटी है, क्वालिटी है, सिंप्लिसिटी है, इसके एग्जाम्पल्स भी गिवन है. ये आई टी वाई भी नाउन के तौर पर, पहले आई एस टी बताया था, अब आई टी वाई भी एड कर लीजिएगा. डेक्स्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, स्किलफुल पर्सन. लेकिन इसकी अगर आप लैटिन लैंग्वेज में इसके मीनिंग देखते हैं तो राइट हैंड पर्सन को हम क्या कहते हैं, डेक्स्टर कहते हैं. ठीक है, डेक्स्टर कहते हैं, राइट हैंड जो राइट हैंड यूज करते हैं. लेकिन इसके अगर मीनिंग आप देखें अभी डिक्शनरी में जाके तो स्किलफुल पर्सन है, मीन्स के मोस्टली ये माना जाता है कि राइट हैंड वाले जो लोग हैं वो ज्यादा स्किलफुल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं. ठीक है, तो सिनिस्टर क्या है? सिनिस्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड. ठीक है, अनस्किल पर्सन. ठीक है, थ्रेटिंग, इवल, डेंजरस. आगे इसका हम देखते हैं, हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट में हमारे पास एक वर्ड है ग्वेंच के नाम से. बेटा ग्वेंच भी एक वर्ड है. बेटा स्लाइड नहीं शेयर हुई आगे. स्लाइड फॉरवर्ड कर दें सर. यस, ग्वेंच एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड ही आता है, मतलब वो लोग जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं. ठीक है, गेंच. उसके बाद ड्राइट आता है. ड्राइट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका जो मीनिंग है वो अगेन राइट हैंड है. मतलब हमने लैटिन में देखा, लैटिन के वर्ड्स में क्या था, डेक्स्टर था, सिनिस्टर था. यहाँ पे गेंच और ड्राइट है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम ही है. ठीक है, सिर्फ आपके ओरिजिन का फर्क है, मीनिंग सेम है. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, आगे बेटा. गेंच इज वर्ड फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट राइट हैंड. अच्छा सच, स्लाइड आगे क्यों नहीं हो रही? ओके, अब ये वर्ड्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और जिन बच्चों ने पहले क्लासेस नहीं ली थी उनके लिए भी ये रिवीजन हो जाएगी, और जिन्होंने ली है उनके लिए तो न्यू होगा और जिन्होंने ली है उनकी रिवीजन हो जाएगी. ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स मैं पहले भी डिस्कस कर सकती हूँ. मीजन का क्या मतलब था? हेट, पढ़ा था. अमार, नरगिस, अस्मा. बेटा बताइएगा जरा. आपदा, आपदा ने भी किया होगा मेरे ख्याल से, सिर्फ कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं किया. यस मैम. ठीक है, ये आपने पहले भी किए हुए हैं. मिजन मींस टू हेट, गाइनी मींस वुमेन, एंड थ्रो का क्या मतलब था, मैनकाइंड. गेमोस का मतलब है मैरिज, और फिलेन और फिल का मतलब मैंने आपको, फिलो का मतलब बताया था लव. ठीक है, एस्केट्स का क्या मतलब है, मोंक, हर्मिट्स, मोंक. ठीक है, एस्केट्स का मतलब है जो तन्हाई में रहने वाले होते हैं बहुत ज्यादा, लॉनली पर्सन. ठीक है, अगर आपको ये सारे वर्ड्स आते हैं ना, रूट वर्ड जो मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हैं, तो आप इन सब के मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे. तो अभी तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया ना पर्सनालिटी के लिए, बिल्कुल किए थे, बिल्कुल आपदा ठीक कह रही है. अब यहाँ पे देखें मिज़ेंथ्रोप, मिज़ेंथ्रोप का क्या मतलब है. अब जो नए बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको बता दिया मीन्स का क्या मतलब है, एंथ्रोप का क्या मतलब है, दोनों को रिलेट करें और आपने मीनिंग को आइडेंटिफाई कर लेना है. बेटा हेटर नहीं होगा ना, हेट फॉर मैनकाइंड होगा ना, एंथ्रोप भी तो है, तो एंथ्रोप को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो. हेट फॉर मैनकाइंड, आई एम क्लियर. टू हेट फोर किसके लिए, टू हेट वर्ड. नरगिस आपको पूरा लिखना चाहिए ना, मिस एंथ्रोप का मतलब है टू हेट फॉर मैनकाइंड, ऐसे ही है. एंथ्रोप के लिए जी बिल्कुल, एंथ्रोप मैनकाइंड का है ना, तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे ना, पूरा पूरा लिखा करेंगे. ठीक है जी 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 मैम. उसके बाद हम देखेंगे मिज़ोगाइनिस्ट, मिज़ोगाइनिस्ट का क्या मतलब होगा, जल्दी से लिखें, पूरा लिखिएगा. मिज़ोगाइनिस्ट
हेट टू वुमेन आप द वेल वेल डन. उसके बाद हम देखते हैं मीजोगैमिस्ट. फ्रॉम नहीं आएगा बेटा, फ्रॉम नहीं आएगा, सेंस चेंज हो जाएगी ना, हेट फॉर ही आएगा, हेट टू भी आप कह सकते हैं. बेटा मीजोगैमिस्ट मैंने कहा है, गैमिस्ट मैन से रिलेटेड नहीं है, गैमिस्ट मैरिज से रिलेटेड है. तो मीजोगैमिस्ट क्या होगा, हेट टू मैरिज. वेरी गुड आप द नरगिस, वेल डन. उसके बाद हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी क्या है, वेरी गुड असद. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन. वेरी गुड. एंड फिलेंथ्रोपिस्ट, आईएसटी है, आईएसटी है. फिलेंथ्रोपिस्ट क्या है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों से क्या करता है, लव ह्यूमैनिटी. यस, लव फॉर मैनकाइंड, बिल्कुल आप कह सकते हैं. ठीक है, वेरी गुड. तो एक ऐसा इंसान है जो क्या करता है, मैनकाइंड से बहुत प्यार करता है, सॉफ्ट हार्टेड है, तो उसको हम कहेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट. गायनेकोलॉजिस्ट, आईएसटी का भी आपको पता है, आपको गायनी का रूट वर्ड भी पता है, तो जल्दी से बता दें, गायनेकोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन जो कि लेडी डॉक्टर होता है. एग्जैक्टली ठीक है, उसको हम कहते हैं. बिल्कुल. उसके बाद हम देखेंगे मोनोगैमी. मोनोगैमी क्या है, गैमी का मतलब शादी है, मोनो का मतलब वन है, तो बताएं एक शादी करने वाला मोनोगैमी, वन मैरिज यस, ठीक है ना. बाइगैमी दो शादी करने वाला, इलीगल. इलीगल भी साथ याद में रखिएगा, बाइगैमी. अच्छा कुछ लोग ऐसे है ना, जैसे फर्ज करें कि किसी की अगर बीवी फोर्थ हो गई है तो उसने मजबूरी में दूसरी शादी कर ली, वो एक अलग केस है. लेकिन एक इंसान जिसकी बीवी अभी जिंदा है और उसने इलीगल उसकी इजाजत के बगैर, ठीक है. मुफ्ती तारिक मासूद, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट टू से. तो हम देखेंगे कि उसके बाद बाइगैमी मींस के एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर लेना, इसको हम बाइगैमी कहते हैं. पॉलीगैमी मतलब, पॉली का मतलब क्या है, मैनी. लिख लें, पॉली का मतलब क्या है, मैनी. लिखने की भी जरूरत याद हो जाती है, ठीक है. तो बहुत ही शादियां करने वाले, पॉलीगैमी. पॉलीगैमी बहुत सी शादियां, बहुत सारी वुमेन्स. हाँ वो तो वुमेन्स आ ही जाएंगी ना बेटा, जब शादी करेंगे तो बहुत सारी वुमेन्स हो जाएंगी, ठीक है. पॉलीगैमी बहुत सारी शादी करने वाले, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे पॉलीएंड्री. अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पता भी नहीं होगा आप लोगों को. मैनी हस्बैंड्स, आप लोगों ने ये तो सुना कि एक इंसान मीन्स कि एक मेल बहुत सारी मतलब लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं, मतलब इस्लाम में भी चार की तो इजाजत है ना, ठीक है, और नॉर्मल है, सबने सुना है. लेकिन एक औरत के बारे में किसी ने नहीं सुना. लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी भी सोसाइटीज हैं जहाँ पे एक औरत बहुत सारे मर्दों के साथ शादी करती है. डेट इज नॉट अलाउ इन इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट इज वेरी क्रूशियल इन बर्ड्स. बेटा ये बर्ड्स किसका लिख रही हो, बर्ड्स का तो यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है. तो मैं तो आपको बता रही हूँ पॉलीएंड्री का. नहीं बेटा, पॉलीएंड्री तो है आपके पास एक ऐसी वुमेन जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो, ठीक है. डिफरेंट सोसाइटीज अफ्रीका साइड पे ये पाया जाता है कॉन्सेप्ट, इंडिया में भी है. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एसेटिक. एसेटिक किसे कहती है, ठीक हो गया, ठीक हो गया. एसेटिक किसे कहते हैं, एसेटिक का बताइएगा. एसेटिक का पता बेटा बहुत सिंपल सा वर्ड है, आई एम वेटिंग, जल्दी से लिखें. सेल्फ डिनाइल, वाओ सेल्फ डिनाइल, ठीक है, मतलब अपने आप की नफी करना. असर्टिव का क्या मतलब है, सेल्फ डिनाइल. तो आई थिंक सो ये सारे वर्ड्स क्लियर है आपको, कोई ऐसा बचा जिन्हें इसमें से कोई एक वर्ड भी क्लियर ना हो, क्लियर है, ठीक है जी. आगे हम देखते हैं, ये भी मैं आपको रूट वर्ड करवा चुकी हूँ. ईगो, सेल्फ, आई, एल्टर, अदर, इंट्रो, इनसाइड, एक्सट्रो, आउटसाइड, वर्टो, टर्न, एमबी, बोथ, मीजन, हेट, ये सारे रूट वर्ड हम कर चुके हैं. और एक रूट वर्ड से आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि कितने सारे वर्ड्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन.
एक रूट वर्ड से आप तकरीबन कह लें हंड्रेड ऑफ वर्ड बनते हैं एक रूट वर्ड से, तो फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं सेंस दे देते हैं. एंथ्रोप्स क्या है, एंथ्रोप्स आपके पास क्या है, मैनकाइंड है, गायनी क्या है, वुमेन है, गैमोस क्या है, मैरिज है, एक्सकेट्स क्या है, मॉन्क है. और उसके बाद मॉन्क वो होते हैं, आपने सुना भी होगा कि मॉन्क जो है वो पहाड़ी इलाकों में जाके इबादत वगैरह किया करते थे या चिल्ले वगैरह काटा करते थे, तो तन्हाई में रहने वाले, इनको इसलिए मॉन्क कहा जाता है. सेंट्रम क्या है, सेंटर है. मैनिया क्या है, मैडनेस है. ईगो मैनिया पढ़ा था ना कल, उसी से रिलेटेड है ना. डेक्स्टर क्या है, राइट हैंड है. तो ये सारे रूट वर्ड्स हैं, ठीक है. सिंस्टर लेफ्ट हैंड है, गेंच लेफ्ट हैंड, राइट राइट हैंड, मोनो वन बाई टू, पॉली मैनी, एंड्रोस मेल, आई एस टी पर्सन, ठीक है, प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है. ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब आ गया आपका प्रैक्टिस का टाइम. तो ये है आपकी प्रैक्टिस का टाइम, आपके सामने स्क्रीन है, आपके सामने उनके मीनिंग्स हैं. एंथ्रोपोलॉजी आइडेंटिफाई करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा. दोनों साइड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप पहले ऊपर से सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज इधर से भी शुरू कर सकते हैं. सिस्टम ऑफ वन ओनली वन मैरिज, इसको हम क्या कहते हैं. मोनोगैमी, सिंपल सी बात है, मोनोगैमी, ठीक है. आपदा भी आप ठीक कह रही हैं. उसके बाद हम देखेंगे हार्टेड ऑफ वुमेन, जो वुमेन से हेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं. मिज़ोगिनी नहीं है बेटा, मिज़ोगिनी है. यस, मिज़ोगिनी है, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे इलीगल प्लुरलिटी ऑफ मैरिजेस, मतलब इलीगल बाइगैमी, पढ़ा था ना, बाइगैमी, दो शादियां करना, ठीक है. उसके बाद हमने देखा स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एंथ्रोपोलॉजी, ऐसा ही है, एंथ्रोपोलॉजी, वेरी गुड. स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या, मुझे बता दें क्या होगा, एक ही वजह ना. लास्ट वन क्या होगा, गायनाकोलॉजी, वेरी गुड, वेल डन. मीन्स के सबको क्लियर हो गया ना, ठीक है. इस प्रैक्टिस से पता चल जाता है कि आपको कितना क्लियर है. हम नेक्स्ट देखेंगे, आपके पास है बेटा, हो गया ये, नेक्स्ट स्लाइड पे आए, ठीक हो गया. अब हमारे पास आ जाता है, हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है पॉलीगैमी. और अगर आप यहां से देखना चाहें डिवोशन टू आ लॉनली एंड ऑस्ट्री लाइफ, डिवोशन टू आ लॉनली एंड ऑस्ट्रल लाइफ क्या होगा इसका, कौन बताएगा, जल्दी से बताएगा. ऑस्टिटम थ्री, यस, इसका हमारे पास ऑस्टिटिज्म होगा. नहीं बेटा, पॉलीएंथ्रोपी नहीं होगा, फिलेंथ्रोपी, सॉरी फिलेंथ्रोपी नहीं होगा. फिलेंथ्रोपी तो लव फॉर मैनकाइंड है ना, ठीक है. मैं आपके सामने जो मीनिंग पढ़ रही हूँ, एक पढ़ रही हूँ, एक का पास आपके पास थर्ड ऑप्शन है एसिटिज्म. मैंने आपको बताया था ऐसा इंसान जो तन्हाई में रहता हो, ठीक है, तो उसका हम ये करेंगे ना, डिवोशन टू आर लॉनली एंड ऑस्ट्रल लाइफ. उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है स्किल क्लेवरनेस, स्किल और क्लेवरनेस, इसका क्या होगा. वेरी गुड, adroitness, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कस्टम इन विच वन मैन हैज मैनी वाइफ, मैनी, बस आपको मैनी देखने की जरूरत है तो आ जाएगा पॉलीगैमी, वेरी गुड. उसके बाद देखेंगे लव फॉर मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपी, ठीक हो गया. उसके बाद हमने देखा हार्टेड ऑफ मैरिजेस, सो मिज़ोगैमी, लास्ट वन यही तो बचा है, ठीक है. तो आपको चीजों को रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएगी. आगे हम देखते हैं हमारे पास आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें हम देखेंगे आई थिंक आज बारिश की वजह से ना नेट थोड़ा सा स्लो है. नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास आ गया पॉलीगाइनिस्ट,
पॉलीगाइनिस्ट, उसके बाद हम देखेंगे पॉलीएंड्रिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, गायनाकोलॉजिस्ट है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, तो ये तो आप जल्दी से कर लेंगे. स्टूडेंट ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वेरी गुड मुजम्मिल, वेल डन. वन हु इंगेज इन चैरिटेबल वर्क्स, मतलब चैरिटी कौन करता है, चैरिटी कौन करते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट. एग्जैक्टली, जो ह्यूमन काइंड मैनकाइंड से प्यार करता होगा वही चैरिटी करेगा ना. मेल विद अ प्लूरलिटी ऑफ वाइव्स, पॉलीगाइनिस्ट, ठीक है. वुमेन डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट. फीमेल विद अ प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड्स, एंथ्रो पॉलीएंड्रिस्ट, वेरी गुड. ठीक हो गया, तो वकैब तो आज क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है. आई डोंट थिंक सो कि वकैब के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी. क्लियर है सबको? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी. यस मैम. ओके, कल इंशाल्लाह हम एडवर्ब स्टार्ट करेंगे. यस असद, बिल्कुल. एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. सी यू नेक्स्ट टाइम एंड रिमेंबर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस वीया द ईमेल एड्रेस मेंशनड ऑन द स्क्रीन. थैंक यू.